नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़, यूपीवीसी विंडो और डोर्स के विक्रेता, वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़ और मोतीबाल रेस्टोरेंट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी से मतदान होंगे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान का कार्यक्रम जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा, जबकि 10 मार्च को परिणाम जारी होंगे। आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। शनिवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी और एसपी अनुराग आर्य ने प्रेस वार्ता कर चुनाव के बाबत विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 10 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 फरवरी है। नामांकन की जांच 18 फरवरी को होगी और नाम वापसी 21 फरवरी को होगी। मतदान 7 मार्च को कराया जाएगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 15 जनवरी तक राजनीतिक दलों के सभी कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में रैली, जनसभा, रोड शो सहित सभी कार्यक्रम पर रोक रहेगी और 15 जनवरी के बाद जो निर्णय चुनाव आयोग ले गया उसी के अनुसार आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना में 7 टेबल लगाई जाएगी और मतदान से लेकर मतगणना तक कोविड की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पुलिस विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। हमारे वहां पे 7वें चरण में चुनाव आजमगढ़ में किया जाएगा और इसके लिए 10 तारीख की डेट निर्धारित की गई है। डिटेल पूरा आपको कार्यक्रम के माध्यम से मिल गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल, और शीघ्र ही मैं आपको इसको अपने हस्ताक्षर से भी सारी चीजें कम्युनिकेट कराऊंगा। सर, जो गाइडलाइन सर है मेन कोरोना को लेके है सर, तो रैलियों पर कब तक पाबंदी दी गई है और क्या क्या ऐसे पाबंदी? देखिए, 15 तारीख तक आयोग की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15 तारीख तक पूरी तरीके से रोक है और इसके बाद जैसे ही आयोग के इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से भी कवर है। तो इसका पूरी कड़ाई से हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते इसकी पूरी कड़ाई से हम लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सर, कुल कितने बूथ सर बनाए गए हैं और कितने वोटर संख्या? देखिए, ये जो आंकड़े मेरे सामने हैं कि विधानसभा क्षेत्र हमारे पास 10 हैं, जिसमें 8 सामान्य हैं और 2 अनुसूचित जाति के हैं। आप चाहें तो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता दूं। और जो हमारे विधानसभा हैं अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर 10 है, इसमें 8 उपजिलाधिकारी, 344 गोपालपुर हेतु उपजिलाधिकारी न्यायिक सगड़ी, 346 मुबारकपुर हेतु उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास 30 हैं जो कि तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी के स्तर के हैं। मतदान केंद्र हैं 2345, एक मध्य स्थल, 2 मध्य स्थल वाले 1017, 3 मध्य स्थल वाले 316 हैं, 4 मध्य स्थल वाले 56 हैं, 5 मध्य स्थल वाले 17 हैं, 7 मध्य स्थल वाले 9 हैं और 8 मध्य स्थल वाले 1 हैं। मध्य स्थल हमारे हैं 4292, जिसमें 313 शहरी हैं और 3979 ग्रामीण हैं। कुल जोन 28 है और कुल सेक्टर 254 है। जोन हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि जितना ज़्यादा जोन्स रहेंगे उतनी ज़्यादा बहुत ही शुचिता चुनाव की और अच्छी रहती है। 1200 से अधिक मतदाता वाले मध्य स्थल हमारे 5 हैं। मतदाता हम लोगों के पास कुल 3632540 हमारे पास मतदाता हैं। जेंडर रेशियो 906 है, ईपी रेशियो 68 है। 18 से 19 युवा वर्ग के हमारे पास 46604 हैं और आचार संहिता के लिए हमारे पास 8 टीमें गठित हैं। नामांकन कब होगा? नाम दीजिएगा जो नामांकन वाला। इसमें मार्च 2022 को हम लोगों का मतगणना है और 7 फेज में 10 फरवरी को हमको शायद नोटिफिकेशन इशू करना है और 11 फरवरी को हमारा विड्रॉल है और 7 मार्च को पोलिंग है। ठीक है, तो मैंने भी शायद 10 को जो बताया था उसमें 10 फरवरी की हमारे नोटिफिकेशन इशू होगा, इसको आप नोट कर लें।
इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 10 फरवरी है, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन यानी नामांकन का आखिरी दाखिल करने का दिनांक है 17 फरवरी है, स्क्रूटनी की डेट 18 फरवरी है, लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल यानी कि नाम वापसी की आखिरी तिथि आपकी 21 फरवरी है, चुनाव का दिनांक हमारा 7 मार्च 2022 को है, डेट हमारी 10 3 2022 को है और डेट ऑफ कंप्लीशन यानी चुनाव जब पूर्ण घोषणा की जाएगी, चुनाव पूर्ण हुआ वो 12 मार्च को। सर, मतगणना के लिए ही कोविड का गाइडलाइन की जाएगी, टेबल कम लगाया जाएगी, कितनी क्या 7 टेबल अभी ये कहा गया और उसमें यह है कि जो लोग अंदर जाएंगे वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए दोनों डोज, यदि दोनों डोज वैक्सीनेटेड नहीं है या एक डोज लगी है या वैक्सीनेशन नहीं है तो आरटीपीसीआर कम से कम 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर का रिपोर्ट होना चाहिए। सर, जो कोविड पॉजिटिव है वो वोट कैसे डालेगा? जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनको वोट डालने के लिए आयोग ने दो व्यवस्थाएं की है, एक तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अपना वोट डाल सकते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए हमारे नोडल पोस्टल बैलेट अधिकारी है, उनका फोन नंबर भी हम सीएमओ साहब के माध्यम से सभी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे उन तक पहुंचा देंगे, जिससे कि वो घर पे बैठे बैठे या हमारा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसको भी हम बता देंगे कि वो वहां पे फोन करके सभी पेशेंट्स को बताएंगे कि आपको वोट डालने के लिए ये प्रक्रिया है, तो उनको उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और दूसरा, यदि वो इच्छुक हैं, माना कोविड पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक है, उनको बुखार नहीं आ रहा है, चलने फिरने की स्थिति में है, तो वो आखिरी घंटा जो चुनाव का होगा उसमें मौके पे जा करके हमारे हेल्थ स्टाफ के साथ वो चुनाव में वोट डाल सकते हैं। कुछ समय भी बढ़ा है सर इसमें? अभी मतदान के समय में शायद ईवीएम साहब ने समय क्लियर किया गया है, एक घंटा बढ़ा है। कितने बजे तक है? अभी कैंपेन कर्फ्यू का अर्थ यह है कि शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई भी कैंपेन अनुमन्य नहीं होगी, और इसमें जो 15 तारीख तक है वो तो किसी भी प्रकार से 15 तक तो पूरी ही तरीके से सब बंद है, बट अगर अनुमति मिलती है 15 के बाद तो भी कैंपेन कर्फ्यू हमारा रहेगा। सर, जो पार्टी की जॉइंट टीम के द्वारा, क्योंकि आप लोग अवगत हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज लागू हुआ है, तो ये आज से ही इसको लागू कर दिया गया है, प्लस ये कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जितने चौराहे हैं, सड़क हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन सब पे कार्रवाई लागू कर दी गई और आगे भी ये चलती रहेगी। लागू हुई है तो सुरक्षा क्या मद्देनजर रहेंगे और क्या कितने फोर्स हैं? जैसा कि आप अवगत हैं कि आज चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसके संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आज जब हम यहां प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं तो सारी टीमें लगी हुई हैं जो आचार संहिता के नियम कानून है उनका पालन कराने के लिए। अभी तक जो चुनाव की तैयारी है उसके संबंध में मैं आपको बता दूं, 8000 लाइसेंसी शस्त्र हम लोग जमा करा चुके हैं, 80 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं पब्लिक से जिनको जेल भेजा गया है, 28,000 लोगों का लगभग 107-16 में उनको पाबंद कराने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, गुंडा एक्ट में 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 900 लोगों के खिलाफ 110 जीसीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है, 147 लोग ऐसे हैं जो अवैध शराब में शामिल थे इनको जेल भेजा गया है मुकदमा लिखते हुए, इसके साथ साथ अवैध शराब में गैंगस्टर एक्ट करके 14 एक्ट के तहत लगभग 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क कराई गई है अवैध शराब माफिया जो इस धंधे में लिप्त थे। एक अभियान हम लोगों ने आज से शुरू किया है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी गाड़ी पे कोई सायरन हो, कोई हूटर लगा हुआ हो, बुलेट पे जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगे होते हैं वो, उसके साथ साथ ब्लैक फिल्म, फैंसी नंबर प्लेट या बिना नंबर प्लेट की बाइकें और ट्रैफिक नियमों का कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस बल की स्थिति है, हमारे पास लगभग 3300 की नफरी है पुलिस बल की जो वर्तमान में जनपद में मौजूद है, इसके साथ साथ 3 कंपनियां परसों 10 तारीख को जनपद में आ जाएंगी एरिया डोमिनेशन के लिए सीएपीएफ की, उनको इस्तेमाल करते हुए एरिया डोमिनेशन जिसमें हम लोग पैदल गश्त करते हैं, उसके साथ साथ जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो खुराफाती एलिमेंट्स हैं, उनके घर पे पुलिस दस्तक देती है और उनसे पूछताछ करती है, उनको हिदायत देती है। 359 हमारे वल्नरेबल जो पोलिंग स्टेशन्स हैं उनको, उनकी सभी की समीक्षा की गई है, वहाँ पे जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट को प्रभावित कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग, जो अभी डीएम साहब ने आपको बताया कोविड गाइडलाइंस के लिए, पुलिस लाइन में ड्रोन हमारे पास उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसके एनफोर्समेंट के लिए, कहीं भी अवैध तरीके से कोई इस तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो। एक हेल्पलाइन जो जनपद में पूर्व से प्रचलित है आपराधिक सूचनाओं के लिए, गोपनीय सूचनाओं के लिए, जिसका नंबर है 8354960010 8354960010 ये हेल्पलाइन, गोपनीय हेल्पलाइन ऑलरेडी जनपद में है, इस पर भी कोई चुनाव से संबंधित अगर कोई सूचना है जिसमें चुनाव के दौरान कोई प्रलोभन या कोई किसी प्रकार का कोई डराता धमकाता किसी को है प्रभावित करने की कोशिश करता है तो इस पर पब्लिक के लोग सूचना दे सकते हैं। सर, कितने संवेदनशील इलाके आपके क्षेत्र में हैं? 359 वल्नरेबल मजरे हैं, मजरे मतलब कि ऐसे गांव चिन्हित हैं 359 जहां हम लोगों ने अपने हिसाब से संवेदनशील चिन्हित किए हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है
जैसे जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो अगर हिस्ट्री शीटर है कोई या बदमाश टाइप का व्यक्ति है, उसके खिलाफ जैसे जैसे हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं इनकी संख्या घटती रहती है, या अगर कोई प्रकाश में आता है, कोई जगह ऐसी है जहाँ हमें नजर रखने की जरूरत है, उसकी संख्या बढ़ती रहती है। तो वर्तमान में 359 की संख्या है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, इसको हम लगातार रिव्यू करते रहे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही नगर क्षेत्र में भाजपा, बसपा, सपा सहित सभी दलों के बैनर पोस्टर हटाए जाना शुरू कर दिए गए। शनिवार देर शाम जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए गए। साथ ही झंडा लगे गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। इस बाबत अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कोई भी पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगा है तो उसे हटाया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद यदि कोई बैनर पोस्टर लगाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका से लगाए तक कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन, रोडवेज आदि क्षेत्रों से विभिन्न पार्टियों के नेताओं की ओर से लगाया गया बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही तहसील सगड़ी के उपजिलाधिकारी गौरव कुमार के नेतृत्व में सीओ सगड़ी एवं जीएनपुर पुलिस के सहयोग से तहसील से लेकर जीएनपुर बाजार में लगाए गए राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर को पुलिस के जवानों एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों ने उतारे और आदर्श आचार संहिता का पालन कराया। इस दौरान तहसील सगड़ी से बैनर पोस्टर उतारने का जो काम शुरू हुआ वो देर शाम तक जीएनपुर बाजार में समाप्त हुआ। एक एक बैनर पोस्टर को प्रशासन द्वारा उतार कर हटा दिया गया। साथ ही साथ लाटघाट, मालटारी, अजमतगढ़ आदि बाजारों में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन की हनक दिखी और बैनर पोस्टर हटाने में जुट गए। इस दौरान उपजिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि किसी भी दशा में किसी भी पार्टी की कोई भी बैनर पोस्टर यदि कहीं पड़ा हुआ दिखाई दिया तो उसको पुलिस प्रशासन को सूचना देकर तत्काल हटवा दिया जाएगा। यदि कोई नया बैनर पोस्टर लगता है तो उसे ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसा कि विदित है कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई है। तत्क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, क्योंकि आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है, तो ऐसे में जो भी पोस्टर बैनर्स हैं वो सभी हटवाए जा रहे हैं, आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है। और मेरी सभी से ये अपील रहेगी कि जब तक आचार संहिता रहती है सभी इसका सकुशल पालन करें और सभी जो है शांतिपूर्वक चुनाव करवाने में सहयोग प्रदान करें। और सर, हम लोगों के माध्यम से आप लोगों को कैसे, और ये है जैसा भी माननीय निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं जिसमें ये कोई भी पदयात्रा, साइकिल रैली, जुलूस, इस प्रकार की कोई भी रैली आयोजित दृष्टिगत कोई भी जो है वाहनों का बड़ा कॉन्वॉय नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर आपको कैंपेनिंग है तो वो केवल 5 व्यक्ति डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं। किसी प्रकार के विजय जुलूस या यात्रा या फिर मशाल जुलूस, इस प्रकार की कोई भी गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोविड के दृष्टिगत अभी स्थिति गंभीर है। तो ऐसे ही निर्देश माननीय आयोग से प्राप्त हुए। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी। आजमगढ़ के सभी 10 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज चकवल स्थित FCI गोदाम मतगणना स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने FCI गोदाम कैंपस के अंदर टूटी हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता PWD को निर्देश दिया कि आज ही संपर्क मार्ग एवं गोदाम कैंपस के अंदर ही सड़कों की मरम्मत की कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन में कितने ट्रक गिट्टी तथा अन्य सामग्रियों की कार्य योजना से आज ही मुझे अवगत कराएं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर, ADE तथा निर्वाचन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर के निर्देश पर शनिवार को पुलिस ने गो परिवहन आबकारी हत्या व लूट की घटनाओं में संलिप्त रहे आधा दर्जन अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न थानों की हिस्ट्री शीट खोली। पुलिस इन अपराधियों की निगरानी शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई के जद में आए अपराधियों में गौ परिवहन में लिप्त लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजी हसन निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर आबकारी में रणजीत यादव
उर्फ रंजीत पुत्र राम केदार यादव निवासी अतायपुर थाना फूलपुर हत्या के मामले में प्रदीप कुमार सिंह पुत्र राम अवध सिंह निवासी ग्राम कबूतरा थाना तरवा लूट के मामले में रणविजय उर्फ रन्नू यादव पुत्र राम खिलावन यादव निवासी सुनहरा थाना बरदा आबकारी के मामले में अजय सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी नदवा थाना तरवा तथा हत्या के मामले में नीरज गिरी पुत्र अशोक गिरी निवासी ग्राम सिठौली थाना देवगांव बताए गए हैं। इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे के साथ शनिवार को जातिगत जनगणना किए जाने की मांग को लेकर पिछड़े समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उन्होंने जाति आधारित जनगणना की मांग की। पिछड़ा संवाद के संचालक राकेश मौर्य ने कहा कि देश के बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी तय करने के लिए पिछड़ों की संख्या बताई जाए, जिससे कि पिछड़े अति पिछड़े वर्ग कमजोर व निर्बल लोगों को शिक्षा व रोजगार में हिस्सेदारी तय हो सके। पिछड़ा संवाद व बहुसंख्यक समाज की मांग को पूरा करने की मांग की। मांगों को लेकर संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दिल्ली है क्या कि आज के 3-4 महीने पहले भारत सरकार ने एक एफिडेविट दे दी सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातिगत जनगणना करवाने में असमर्थ हैं, और उन्होंने कारण उसमें क्या बताया कि हमें कुछ प्रशासनिक समस्याएं आएंगी। आप बताइए ना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी संख्या जो है सरकार काउंट नहीं करवा रही है। जाति जनगणना जब होती है तो जनगणना में भी 50 कॉलम है जिसको सरकार फॉलो करवा ही रही है। तो भाई जब हम लोग पिछड़ों की आबादी जितनी है उसको बताने में सरकार को क्या समस्या है। पिछड़ों हम सर्टिफिकेट आखिर तहसील से बनवा ही रहे हैं ना, तो पिछड़े अगर तहसील से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कितने पिछड़े बनवा रहे हैं, कितने लोग पिछड़े हैं, कितनी आबादी है पिछड़ों की और उनकी समस्या क्या है, हमको उनको इस संख्या को बताने में दिक्कत क्या हो रही है। हमारी मांग है सरकार से कि जातिगत जनगणना 2022 का जो सेंसस है वह जातिगत आधारित हो और पिछड़ों की संख्या उन्हें बताई जाए, एक समान शिक्षा दी जाए और उनके भरण पोषण और जो सार्वजनिक क्षेत्र में हिस्सेदारी है उसको बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में हम आज जिलाधिकारी साहब को के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारियों ने शनिवार को अपने विभिन्न मांगों के निस्तारण के लिए प्रदर्शन कर धरना दिया। डीएम को प्रबंध निदेशक के नाम लिखित पत्रक सौंपा है। पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने कहा कि बिलिंग कार्य हेतु क्यूज कंपनी के द्वारा मीटर रीडर से बिलिंग का कार्य कराया जा रहा है। कंपनी द्वारा ये बताया गया था कि 1500 बिलिंग करने पर मीटर रीडर को 12,078 रुपए दिया जाएगा, जिसमें इसमें पीएफ कटकर कुल 9,818 देने की बात कही गई। लेकिन इस माह में 1500 बिलिंग का कार्य करने वाले मीटर रीडरों को 3800 रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा डीडी के नाम पर कुछ कर्मचारियों से 10,000 रुपए तो कुछ से 15,000 रुपए लिए गए। कर्मचारियों द्वारा किया गया कि मीटर रीडरों को हर माह के 10 तारीख तक भुगतान करने कंपनी द्वारा मोबाइल देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो इस माह 12 जनवरी से कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। इस दौरान पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने बताया कि मीटर रीडर का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटर रीडर को निकालने के लिए सरकार की मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ठेका प्रथा की समाप्ति के लिए संघ का प्रयास अनवरत जारी रहेगा। मीटर रीडर भाइयों की यह जिनका काफी मात्रा में किस कंपनी से शोषण किया जा रहा है, शोषण करने के उपरांत इनको 3,500 रुपया वेतन दिया जाता, अनुबंध होता है 12,000 रुपये का, काट पीट के 3,500 रुपया दिया जाता है। दूसरी चीज, आज इन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है विभाग से, तो उसी के संदर्भ में डीएम साहब से मैं मिलने के लिए आया था। माननीय उच्चतम न्यायालय जिला आजमगढ़ न्यायालय को मैं प्रेस और पत्रक के माध्यम से भी अवगत कराने आया था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पूरे पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था ठप हो जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी क्वेश कंपनी और प्रबंधन की होगी कि आप इतने कम रुपये में किसी से अनुबंध कैसे ले लिए। जिंदगी में आगे आदमी आगे बढ़ता है और उसको पीछे क्यों ढकेला आपने, सब कुछ जानते हुए किसी कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने कैसे पेमेंट या उसे अनुबंध कर लिया। और दूसरी चीज़ देखिए, योगी जी से हम मांग करना चाहेंगे अगर हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो ये समझ ले कि ये युवा पीढ़ी है और आपके द्वारा ये बहुत अच्छा नहीं किया जा रहा है कि ठेका प्रथा चलवा रहे हैं देश में। ठेका प्रथा से किसी का भला नहीं होने वाला, 3 महीने हो गया है
किसी को पेमेंट नहीं मिला, किसी को वेतन नहीं मिल रहा, सब लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। तो उस ठेका प्रथा को करने का क्या फायदा होगा आपका? हम लोग यही चाहते हैं ठेका प्रथा समाप्त करें, अन्यथा जो सरकार हमको हमारा हक दिलाएगी उस सरकार का हम लोग सपोर्ट करेंगे।